Hi. Hi. कैसी हो? बढ़िया. How are you? Finally back to work. हाँ, after a long time. Hey. Oh. Congratulations. Thank you so much. Welcome back. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Congratulations and welcome back. Thank you. कैसा लग रहा है इतने दिन बाद ऑफिस आके? बुरा नहीं लग रहा है. अच्छा, we have a meeting at 12, so if you want, you can join. Of course, I want to join. See you. So we've seen a 60% increase in the sales figures in Delhi and Bombay, if we compare it to the kind of sales figures we saw in the last financial year. So just have a look at these figures. Here is where I feel we can do more. Good. Much more. That's not all, sir. Using the same technique, I feel we... I'm sorry, please continue. As I was saying, I feel using the same... sir, Delhi and Bombay? Chennai is one place where we feel we can use the same technique and get that entire potential market into our sales figures, and it will really help bring our company out of the slump that we saw in the last financial year. So, Smita, please. Excuse me. Hello? क्या हुआ? Call क्यों नहीं उठा रही थी तुम? अरे मैं meeting में थी. Baby तो ठीक है ना? हाँ. मुझे उसकी वो इन्फेक्शन वाली मेडिसिन नहीं मिल रही थी. मेरे कमरे में जो साइड टेबल है ना, उसकी पहली ड्रॉअर में रखा हुआ है. ओके. हाँ चलो ठीक है, मैं रखती हूँ. ओके, बाय बाय बाय. ओके ग्रेट राहुल, आई वुड लाइक टू अनाउंस समथिंग. जिस तरह से तुमने इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया, मैं तो पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हूँ. इससे पहले स्मिता सारी चीज़ें हैंडल करती थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आने वाले सारे प्रोजेक्ट तुम्हें हैंडल करो. थैंक यू सो मच. वेल डन. थैंक यू सो मच. राहुल. यस. तुमसे कुछ बात करनी थी. यस मिथा. वो जो हमारे चेन्नई वाले क्लाइंट है ना, आई विल बी सीइंग दैट प्रोजेक्ट. आई डोंट थिंक दैट्स रिक्वायर्ड. आई विल बी हैंडलिंग इट. आई वांट टू डू इट. आई अंडरस्टैंड मिथा, बट क्षितिज हैज अपॉइंटेड दैट प्रोजेक्ट टू मी, सो आई थिंक बेटर यू स्पीक टू हिम. आई एम श्योर देयर आर अदर थिंग्स फॉर यू टू डू हियर. स्मिता, हमारी ज़्यादा कभी बात नहीं हुई. तो वेकेशन पे थी जब मैंने ज्वाइन किया था. राहुल, इट वाज नॉट अ वेकेशन. अरे कम ऑन यार, वेकेशन नहीं थी और क्या था फिर? हम मर्दों को तो नहीं मिलता ना ये प्रिविलेज. एंड देन वुमेन टॉक अबाउट इक्वालिटी. वेल, मैटरनिटी लीव इज नॉट अ प्रिविलेज. आई मीन प्रिविलेज नहीं तो क्या है? सजा. I would like to get punished then. Me too. So yeah, tell me. Kshitij, what is happening with me here? मतलब? मतलब सारे projects मुझसे लिए जा रहे हैं. हाँ, मुझसे मेरा काम छीना जा रहा है जो leave पे जाने से पहले मैं ही कर रही थी. कौन सा project छीन लिया गया तुमसे? तुम leave पर गई थी, वही सारा काम राहुल को दे दिया गया. पर अब मैं वापस आ गई हूँ क्षितिज, पर मुझे लगता है कि मेरे अलावा ये बात कोई मानना नहीं चाहता. स्मिता, मैं समझ सकता हूँ, मत परेशान हो. क्षितिज, यू हायर्ड मी फॉर दिस. मैं 5 साल से काम कर रही हूँ. वो चेन्नई का क्लाइंट मैं क्यों नहीं हैंडल कर सकती हूँ? वो राहुल, वो अभी अभी कुछ ही दिन हुए उसे आए हुए, वो मुझे मेरा काम सिखा रहा है. अच्छा ठीक, नाउ यू हैव अ पॉइंट. मैं एक बार अदिति मैम से बात करता हूँ. तुम प्लीज़ कुछ और मत सोचो. मैम, आई एम टेलिंग यू, वो कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर हो रही है अपनी जॉब को लेके. शी वॉज सेइंग कि वो 5 साल से यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन 6 महीने से तो राहुल कर रहा है. और 6 महीने में तो चीज़ें यूँ बदल जाती हैं ना. मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेगनेंसी से जब से वो आई है ना, उसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं.
जब देखो तब वो फोन पे लगी रहती है. बच्चा ही बच्चा संभालना है तो फिर घर पे रहो, ऑफिस आने की क्या जरूरत है. पता नहीं बच्चे बच्चे के साथ वो काम संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी. मैम आप उससे फ्रेंकली ना बता दो क्या करना है क्या नहीं करना. आप बात कर लेंगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी. मैं क्या ही पढ़ू इन सबके बीच. ओके आई टॉक टू. ठीक है थैंक यू. Hello. Smita, can you please come to my cabin? I need to talk. Okay, ma'am. तुम कह रही थी ना बहुत सारी बातें. मैम को वही डिस्कस करना है. So, problem क्या है? To be honest, ma'am, मुझे लगता है कि इस ऑफिस को मेरी जरूरत नहीं है. और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सब कुछ इतना बदल गया है ever since I went on maternity leave. Sorry, vacation, according to some people. I feel so left out. ऐसा लगता है जैसे मैंने मैटर्निटी लीव पे जाके कोई गलती कर दी. गलती तो तुमसे हुई है सीधा. इतने सारे मूड स्विंग्स कैसे काम चलेगा? क्यों जितेंद्र? यस मैम. बोलो, कल तुम यही कह रहे थे ना? बोलो. हाँ भाई जी. क्या हुआ? तुम्हें भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं? ओ, मर्दों को नहीं होते ना मूड स्विंग्स. वो क्या है ना क्षितिज, जब एक औरत बच्चा पैदा कर सकती है ना तो इस ऑफिस का काम बहुत अच्छे से संभाल सकती है. और जो उसके घर के प्रॉब्लम्स है ना जिसे लोग मूड स्विंग्स का नाम देते हैं उन्हें तो बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकती है. और स्मिता तुम, मैं तुम्हें तुम्हारे पोजिशन से हटा रही हूं. तुम अब क्षितिज के अंडर में काम नहीं करो. मैम बिकॉज आई एम प्रोमोटिंग यू एज अ न्यू कंटेंट हेड ऑफ आवर कंपनी और तुम सारे क्रिएटिव कंटेंट को देखोगी. और हाँ, जिस दिन भी तुम्हें लगे कि तुम ऑफिस नहीं आ सकती हो यू कैन वर्क फ्रॉम होम. औरत और एक माँ होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ कि इस ऑफिस में तुम्हें हर रोज कितने सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता होगा. बेशक तुम्हारे ऊपर एक नई जिम्मेदारी आई है, माँ बनी हो, लेकिन तुम सिर्फ एक माँ नहीं हो. तुम इस ऑफिस की वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स हो. ये बात हर कोई नहीं समझ सकता लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम खुद के ऊपर ही डाउट करने लगो. पता है स्मिता, जब मैं मैटरनिटी लीव से वापस आई थी ना तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसा ही महसूस कराया था. मेरे स्किल्स पर डाउट किया गया लेकिन तब भीड़ में कुछ लोग थे जिन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया. हेलो, हियर आई एम. Thank you so much, ma'am. It really means a lot. See?